अगर दर्द एप्लीकेशन के लिए एक तेल हम बता रहे हैं, उसको आप नोट करें। तेल में, सरसों के तेल में आप थोड़ा सा हींग, वो थोड़ी अजवाइन, एक जैसे एक कटोरी तेल है, 100 ml तेल ले लिया आपने, 100 ml तेल लिया, तो उसमें एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच मेथी, एक चम्मच लहसुन, ठीक है, तीन चीज़ें होंगी, मेथी, लहसुन, हींग, तीनों एक एक चम्मच इसकी मात्रा ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए, उसको धीमी आंच पे पकने दीजिए। खूब जब पक जाए, भूरा हो जाए, भूरा जब होने लगे तब उसको बंद कर दीजिए गैस को, और उसमें आधी चम्मच के करीब हींग डाल दीजिए, आधी चौथाई, असली अगर है तो आप चौथाई भी डालेंगे तो बहुत है, वो हींग डाल के उसको खूब गर्म होने दीजिए। जब खूब गर्म हो जाए तो उसको हिला के और उसको छान दीजिए, उसमें दो टिक्की कपूर की डाल दीजिए, कपूर की दो टिक्की डाल के उसके बाद उसको धूप में रख दीजिए। वैसे तो ये तैयार है लेकिन धूप में रख दीजिए, तो धूप में उसको विटामिन वगैरह सब मिल रहे हैं, तो वो बढ़िया एक दर्दनाशक तेल तैयार है। उसको आप घुटने में लगाइए, कमर में दर्द है कमर में लगाइए, कंधे में दर्द है कमर में लगाइए, कहीं पर भी उसको लगाने से क्योंकि तत्काल जो है आपको आराम मिलेगा। ये इंस्टेंट जो है आपको इससे आराम मिलेगा। और अगर बहुत जो है जल्दी का है, 2-3 महीने का आपका घुटने का दर्द है, तो उसके लिए भी जो है बहुत बढ़िया, केवल सौंठ उबाल लीजिए, सौंठ किसी सौंठ को जो है 2 कप पानी में उसको उबाल लीजिए और चौथाई रह जाए तो उसको गुनगुना उसको पी लीजिए, उससे ही काफ़ी आराम मिलेगा। गठिया में जोड़ों दर्द जो इतना सब होता है, तो सरसों का तेल, केवल कुछ नहीं मिल रहा है तो सरसों के तेल में गर्म करिए, उसमें पिपरमिंट डालिए, पिपर उसी को केवल मल दिया। आपके पास लौंग का तेल अगर उपलब्ध है, आप लौंग का तेल आप ले लीजिए, लौंग के तेल से जो है उसको थोड़ा हल्का गुनगुना हाथ कर गर्म करके और घुटने पे मालिश करिए, जहाँ पे भी दर्द है, जोड़ों का दर्द है वहाँ पे जो है आप इसको मालिश करिए, इससे जो है काफ़ी हद तक जो है आपका दर्द बिल्कुल उसमें आराम मिल जाएगा। और सहजन की फली बहुत उपयोगी, आजकल अभी लगेगी भी, और सहजन की फली जो होती है बहुत ही दर्दनाशक होती है, उस फली को जरूर सेवन करते रहना चाहिए। और मेथी तो बहुत ही उपयोगी, प्रातःकाल उठते ही अगर आप वेट अगर आपका ज़्यादा है तो अजवाइन आधा चम्मच मेथी उसको जो है आप सेवन करिए, उससे जो है काफ़ी हद तक जो है आपको दर्द में उससे आराम मिलेगा, पेट साफ़ रहेगा, पेट की जो है गैस रहेगी वो भी आपकी दूर हो जाएगी, उसमें काफ़ी हद तक आप अपने को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और चौलाई का साग बहुत आ रहा है इस समय, आप इस समय चौलाई का साग सेवन करिए, चौलाई का साग तो हर व्यक्ति सेवन करता है, वो क्या करता है, वो पेट को भी साफ़ रखता है और उसमें ग्रीन बीज रहता है, तो उसमें हीमोग्लोबिन भी मिल रहा है हमको, तो सारी चीज़ें हमारे और पेट को भी साफ़ रखता है। मेन चीज़ होती है कि ये सारी चीज़ें जो भी समस्याएं जो भी रोग हो रहे हैं वो पेट की खराबी की वजह से ही हमारे उसमें होते हैं। इस समय जैसे केवल आंवला, आपके पास कुछ नहीं तो आंवला चूर्ण है, आप आंवला चूर्ण मंगवा दीजिए, 1 चम्मच के करीब आंवला चूर्ण प्रातः खाते रहिए, इससे शरीर, आंवला तो समझिए पूरे शरीर की हर चीज़ों को जो है वो कहा गया आंवला अमृत है, आंवले को अगर सेवन कर रहे हैं तो हमारी आँख, नाक, कान, पूरा हार्ट, लीवर सब में ये उपयोग है, सारे शरीर के और जोड़ों का दर्द ये सब चीज़ों के लिए केवल एक अकेला आंवला ही सफिशिएंट है। आप प्रातःकाल सेवन करें इसको 1 चम्मच का चूर्ण, अगर आपके पास ताज़ा आंवला उपलब्ध हो रहा है तो उससे जीवा कोई बात नहीं, 2 आंवले को जो है उसको कद्दूकस करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, नहीं तो ऐसे ही अगर सेवन कर पाएँ तो ऐसे ही करिए, ऐसी फल की तरह अगर सेवन कर रहे हैं तो ऐसी फल की तरह सेवन कर। एक चीज़ और बताएंगे बहुत बढ़िया, उसमें अहम चीज़ होती है, ज़्यादातर देखा गया कि जोड़ों का दर्द मोटे लोगों को वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पूरा मोटा शरीर और छोटा सा जो है घुटना बच्चा जैसा उस पर पूरा लोड पड़ रहा है, तो बटने चल उसमें जो है लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी,
तो उससे निजात पाने के लिए फैट भी कम करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है आप वर्कआउट बराबर करते रहिए, प्राणायाम योग बराबर करते रहिए, उससे आपको निजात मिल सकती है। लेकिन जोड़ों के लिए सबसे अगर कहीं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल करते हैं तो पंचकर्म कराना बहुत ज़रूरी है। पंचकर्म बस्ती से आजकल सुनाई दे रहा है कि रिप्लेसमेंट आ गया, घुटने का रिप्लेसमेंट, कोई ज़रूरत नहीं रिप्लेसमेंट। हमारे आयुर्वेद में पंचकर्म द्वारा जोड़ों में, जोड़ों की जॉइंट्स पेन, उसमें जो है लिक्विडिटी पैदा हो जाती है, ऐसी औषधि आना। और पंचकर्म अगर एक बार पंचकर्म बस्ती करा जाता है, वमन पंचकर्म में वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण, वमन विरेचन बस्ती, बस्ती से ही जो है हमारे शरीर की पूरी क्लींजिंग हो जाएगी, वहाँ पे अपने आप लिक्विडिटी पैदा हो जाएगी और आदमी जो है स्वस्थ, पूर्णतः स्वस्थ बना रह के अपना जीवन यापन कर सकता है। और प्रातःकाल पानी, अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या दिनचर्या होनी चाहिए। आप प्रातःकाल पानी 3-4 गिलास पानी पीने की आदत डालिए, 5 तुलसी की पत्ती, 5 नीम की पत्ती का सेवन जरूर करिए, इससे शरीर की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है। ये सेवन करिए, रात में सोते समय अपने पंजों का अपने अच्छे से मसाज करिए, एक दूसरे का मसाज करिए, आप अपने पिताजी का, माता जी का, अपनी पत्नी का और पत्नी आपका, तो उससे जो है आप समझ लीजिए केवल अभ्यंग, केवल फुट मसाज ही आप कर लेंगे तो उससे आपके जोड़ों का दर्द भी काफ़ी कम होगा।